अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया, हमें वोट क्यों नहीं दिया। फजल रहमान ने पीटीएम इजलास में अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम करने का मामला उठा दिया। कहा डेप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन, अपोजिशन के 7 वोट खा गए, 7 वोट हुकूमती उम्मीदवार को पड़े, जिम्मेदार कौन है। आसफ जरदारी का बयान मीडिया में कैसे लीक हुआ, पीटीएम की सफों में खलबली मच गई। अराकीन जरदारी के बयान की तशहीर और इस पर तबसरों से परेशान, एजेंडे को भूलकर इस पर गुफ्तगू। मरियम नवाज का बयान इश्तियाल अंगेज, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया, नैब लाहौर का नोटिस। कहा मरियम नवाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और चौधरी शुगर मिल्स में मुबैना मुलव्वस होने की तहकीकात जारी। पीडीएम से कोई खतरा नहीं, वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। कहा पीडीएम का लॉन्ग मार्च अवाम के लिए नहीं, अपनी चोरी बचाने के लिए है, अपोजिशन को अवाम की कोई परवाह नहीं। और वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला शेख रशीद से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पीडीएम के एहतजाज पर तफसीली गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवाद बाकर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहे और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहे। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन